हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि मैं हिंदी में कोडिंग कैसे सीख सकता हूँ, हिंदी में कोडिंग सीखने के लिए क्या करना होगा। और इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जो लोगों ने शायद वीडियो पूरा नहीं देखा, इस वजह से लोग पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप इस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। फिलहाल आप इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप लैंग्वेजेस को, जो लैंग्वेजेस C++ या फिर HTML, इनको हिंदी में कैसे समझेंगे। इसमें मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको जो भी हिंदी आप सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो, जान सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों इस एप्लीकेशन का क्या नेम है, इसको आप कहां से डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। सो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ही छोटी वीडियो है दोस्तों। इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हिंदी में समझना अगर चाहते हो तो आप कैसे समझेंगे। ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है इसमें आप देख सकते हो इतने सारे लैंग्वेज इंटरफेस इनके दिखाई दे रहे हैं। जावा है, C++, HTML, CSS, इन सभी चीज़ों को आप हिंदी में समझ सकते हो कि इनका मतलब, इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनका मतलब यूज़ होना शुरू हुआ, कब इनका स्टार्ट हुआ था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते किसी एक को। जावा को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। टोटल टोटल यहाँ पे लगभग 30 था, हाँ मैंने देखा था 30 चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर बोलो पेज बोलो यहाँ पे इन्होंने दिया है सभी को कैसे कैसे यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश में नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज तो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो हमें दिखता है जैसे फ़ोन में या फिर हम कंप्यूटर चला रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है। तो अगर दोस्तों आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश में जीरो होते यार, तो फिर आपको पहले इंग्लिश पर ध्यान देना होगा, फिर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान दो तो बेहतर है। अगर आप 10th में हो, 12th में हो, अगर आपको इन सभी चीज़ में इंटरेस्ट है तो दोस्तों आपको अभी से अपनी इंग्लिश सही करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत का ज़्यादा काम आएगा आगे चल के। हर चीज़ में इंग्लिश यूज़ हो रहा है आज के डेट में। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी मीनिंग्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड है तो इनको आप कैसे मतलब जानेंगे, तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊँगा जो मैंने यूज़ किया था अपने स्टार्टिंग इंग्लिश को करने के लिए। आपको जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके वर्ड मीनिंग यूज़ करो, वर्ड मीनिंग याद करो, जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो उस वर्ड मीनिंग को आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पकड़ मिल जाएगा। आप चाहें तो जो स्टॉक या फिर टेडएक्स पे लोगों की इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं, जो कि इंग्लिश में उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए। टेडएक्स और जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बस उसे सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपको थ्योरीज दी गई हैं, तो आप थ्योरीज पढ़ के कितना कुछ कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो मैंने वीडियो बताई ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आप उस वीडियो में जाएंगे देखेंगे या फिर किसी भी यूट्यूबर का और सर्च करके भी आप देख लेना, या जरूरी मेरा ही देख लो आप, ठीक है। अगर पसंद आए तो एक बार देख लेना जाके, उसमें आपको प्रैक्टिकली करने को मिलेगा कि कोडिंग कैसे टाइप किया जाता है, अगर पेज वगैरह कोई रन करना हो या फिर कैसे करना, इमेज लगाना हो किसी पेज में, लिंक लगाना हो, इस तरह की कोडिंग जो अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हो तो उस एप्लीकेशन की मदद से आप अच्छे से सीख सकते हो। इस एप्लीकेशन में इन्होंने कई तरह के लैंग्वेजेस को ऐड किया है जिसको आप आसानी से यहाँ पे हिंदी मतलब समझ सकते हो, उनको ओपन करना होगा आपको बस। और यहाँ पे फ्री एप्लीकेशन है इसलिए आपको बीच बीच में ऐड आएगा, लेकिन ऐड सर्टेन टाइम में आता है, कभी कभी आता है, तो आप डोंट वरी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन मैं समझता हूँ, ऐसे एप्लीकेशन तो आपको प्ले स्टोर पर बहुत मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने कोडिंग सीख रखी है, ये सब तो आसान है, ये सब तो मुझे आता है मैं जानता हूँ, बट आपको रन करना नहीं आता, आप उसको ब्राउजर में कैसे रन करेंगे, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।